गुड मॉर्निंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक. सो इन दिस वीडियो वी विल कवर द न्यूज रिलेटिंग टू बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. फर्स्ट, कोटक बैंक एंड एक्सिस बैंक एलएच रुपीज 1200 करोड़ फ्रॉड कमिटेड बाय कॉक्स एंड किंग. सेकेंड न्यूज, एनबीएफसी एंड एचएफएल sanctioned ₹6,400 crore under special liquidity scheme. Now, what is special liquidity scheme? To understand all these terms, you must watch my banking awareness videos playlist. So, there are two playlists. One is in Hindi and English both, 160 videos. Another is 37 videos only in English. They will be gradually converted into Hindi-English videos, and the Hindi-English videos playlist will become 197 videos playlist in 30 days time from now. Third news is SBI chairman advised to appear for interview for chairman position again. Next is Canara Bank set target of ₹10,000 crore NPA recovery. So these are some of the news that is relating to world of banking, finance and economics. So if you want to improve your current affairs, I have identified a very good source for you. Use that source, it will improve your current affairs. Link of that PDF is available in description column. Subscribe it and improve your current affairs from it. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज की महत्वपूर्ण बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित न्यूज है. पहला, कोटक बैंक एंड एक्सिस बैंक में 1200 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है कॉक्स एंड किंग्स ने. दूसरा है, एनबीएफसी एंड एचएफसी ने 6400 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के अंतर्गत. अब ये स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है क्या, इसके बारे में इस तरह की टर्म्स आ जाती हैं, हम घबरा जाते हैं. तो इसकी इनडेप्थ नॉलेज के लिए आपके लिए मैंने दो प्लेलिस्ट दी हैं. 160 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है जिसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित वीडियोज है. दूसरी प्लेलिस्ट है 37 वीडियोज की जो इंग्लिश ओनली है, और धीरे धीरे ये भी हिंदी और इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, और जो हमारी मेन प्लेलिस्ट है वो 197 वीडियोस की हो जाएगी, उसको देखिए. थर्ड न्यूज़ है, एसबीआई चेयरमैन को एडवाइस किया गया कि वो दोबारा इंटरव्यू के लिए अपीयर हो, क्योंकि उनकी टर्म अक्टूबर में ख़त्म हो रही है. इसके बाद है, केनरा बैंक सेट टारगेट ऑफ ₹10,000 करोड़. केनरा बैंक ने 10,000 करोड़ का टारगेट सेट किया है एनपीए रिकवरी का. अब आपको करंट अफेयर के अंदर अगर अपनी नॉलेज इम्प्रूव करनी है, तो आपके लिए मैंने बहुत अच्छा सोर्स ढूंढा है, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिया है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको फायदा होगा. गॉड ब्लेस यू ऑल.